अभी परमिशन है तोड़ दू। अरे इसको नोच के फेंको यार भाई, भाई। भाई आपके सामने है 2024 मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक S11। तो इंटीरियर जितने भी आप पार्ट्स देखोगे गाड़ी के अंदर के, सब टोटल इसके अंदर हमारे पेंट हुए हैं। पेंट होने के बाद जहाँ पर हमारा लेदर का वर्क होता है वहाँ पर हमने लेदर। तो ये देखो भाई गाड़ी जो है भाई आपके सामने है 2024 मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक S11 प्रो मैक्स। वो पूरा व्यू आ रहा है तो ये देख सकते हो भाई, ये कलर भी स्कॉर्पियो में नहीं आया। आया ये कलर स्पेशल एडिशन, तो ये हमारा स्पेशल एडिशन कलर हो गया भाई। तो ये देख सकते हो भाई गाड़ी आप नेक्स्ट लेवल लग रही है भाई। तो पेंट आपको दिखाएंगे भाई, पूरा पेंट हमने करके दिया इसके अंदर। ये वाला पीस में थोड़ा दिक्कत हो गया लास्ट में जाते जाते, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, देखो। चलो कोई बात नहीं, बाकी पूरी गाड़ी तो आप लोग देख सकते हो, पूरी गाड़ी में तो कोई कमी पेशी नहीं है। ये देख लो भाई पूरी गाड़ी, तो पेंट वगैरह जो है इसका सारा काम हमारे पास हुआ है बिल्कुल। और पूरी S11 पूरी आपको जेवटो में मिलने वाला है। इस तरीके का काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस से काम करवाना हो तो आपको जेवटो पे आना होगा और टाइम लेके आना होगा। यहाँ पे टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। मैं बोलूंगा कि जल्दी हो जाएगा, नहीं जितना टाइम बोलता हूँ उसे दो दिन ऊपर लेकर चलना। इस पुरानी गाड़ी में टाइम लगता है। हाँ पुरानी गाड़ी में हमेशा टाइम लेकर चलना, क्योंकि दो चीज हम सही करते हैं तो दो और खराब निकलता है। इस तरीके से काम करना होता हमें। तो जैसे कि देख सकते हो पूरी गाड़ी तो हमारी पेंट हो चुकी है। तो जैसे हमारे जिन भैया की गाड़ी है उसको रिटायर करने वाले थे, फिर उन्होंने हमारी वीडियो देख ली यूट्यूब पर। रिटायर करने वाले थे आप, बात करते रिटायर करने वाले थे। हाँ सही है। तो बॉडी पेंट हो गया, हेडलाइट टॉप मॉडल वाले लग गया, DRL फॉग लाइट ग्रिल टोटल, तो S11 हो गया। टोटल S11 हो गया। एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में क्या किए, तो इसमें व्हाइट LED डाल दिया हमने, देख सकते हो। चलो जी फॉग लाइट में व्हाइट LED, चलो जी लो बीम, चलो जी हाई बीम, है कुछ कमाल की चीज, जबरदस्त बिल्कुल है कुछ कमाल। अब दिखा दो साइड मोड में, अभी गाड़ी ऐसी होगी शोरूम पे जाके दोबारा डिलीवरी ले लो। साइड मोड ये देखो भाई, साइड मोड क्या बात है, हाँ कुछ साइड से भी पूरी टोटल S11 है, पूरी टोटल S11 के चेंज हो गई है। साइड पेंट पहले वाली S11 हमने लगा दी इंडिकेटर गैप कर दिया, यहाँ पे लगा दिया इंडिकेटर बिल्कुल। S10 ये गाड़ी इसको S11 Pro Max बना दिया हमने। अरे भाई साहब फुटर्स तो पहले के लगा हुआ था हमने, चेंजिंग ठीक है कोनी हमने डाल दिए। हाँ। साइड भी पेंट पूरा हो गया हमारा, पिलर भी डेट हो गया, स्लाइडिंग पूरी चेंज हो गया, हमने नया डाले इसके अंदर। सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक। तो ये गाड़ी का जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये गाड़ी थी पूरी टोटल रिस्टोरेशन। हाँ। इसमें हमने इस गाड़ी के अंदर जान डाली है। हाँ। और उसके बाद इसको दोबारा से जिंदा करके खड़ा कर दिया बिल्कुल। साइड वाटर पैनल हमारा चेंज हो गया इसके अंदर, पीछे पिलर लाइट लग गया हमारा, रिफ्लेक्टर लाइट लग गया, टेल लाइट नया डल गया, पूरी बैजिंग लग गया S11 वाली, क्लासिक S11 आ गया भाई यहाँ पर। पूरी गार्निश, पूरी डिग्री चेंज है, सही है, बम्पर कट्टा, रिफ्लेक्टर और सेफ्टी गार्ड, ठीक है भाई। ये तो हमारा बाहर से पूरी स्पॉइलर भी नया डाला हमने, नहीं ये स्पॉइलर और पहले वाला ही, पहले वाला पेंट करा हमने। हाँ तो अंदर चलते हैं, ये देखो ये हो गया अल्ट्रा, क्या बात है, ये अल्ट्रा इंटीरियर हो गया लग्जरी है कुछ,
देखे हो कभी स्कॉर्पियो में ऐसी कलर? नहीं भाई नहीं देखे ना जेटो पे देखने का। डार्क बेज में बनाया एंट्री है, लाइट बेज कंपनी से आता है S11 में, हमने इसको थोड़ा डार्क बेज कर दिया है कुछ। बिल्कुल भाई ये ऐसा हो गया जैसे होंडा में आता है ना, रूफ भी थे। अब चलते हैं अंदर, लेके चलते हैं आपको। मेन काम जो है अंदर आपको समझ में आएगा डिटेल में कि हमने क्या क्या इस गाड़ी के अंदर चेंजेस करे, क्योंकि अंदर बाहर से तो भाई कन्वर्ट हो गई। अब अंदर दिखा दे कि अंदर इसके अंदर क्या जादू छिड़का है भाई, दिखा दो भाई अंदर भी देख लो। क्या बात है यार, क्या बात है। अब तो कैमरे में मैं आऊंगा ही, पूरी गाड़ी आएगा देखो। क्या बात है यार, ये देख सकते हो भाई, ये हमने इसके अंदर वुडन फिनिश दे दी जिससे ये पूरी लग्जरियस फील आ गई गाड़ी के अंदर, फुल लग्जरी इंटीरियर हो गया हमारा। डोर पे आप देख सकते हो ये स्टिचिंग करी हमने, ये पूरा जो इंटीरियर जो है हमारा पेंट हुआ है इसका, पेंट। तो ये इंटीरियर जितने भी आप पार्ट्स देखोगे गाड़ी के अंदर के, सब टोटल इसके अंदर हमारे पेंट हुए हैं। पेंट होने के बाद जहां पर हमारा लेदर का वर्क होता है वहां पर हमने लेदर वर्क करा है। तो इस गाड़ी के अंदर चुंडा भाई वो नहीं लग पाता है हमारा 150 वाट, वो बस एक छोटी सी कमी है इस गाड़ी के अंदर। रूफ लाइनर चेंज करते तो आ जाता है, रूफ लाइनर भी चेंज हो जाता है। क्या बात है यार, तो वो चीज आप कराना चाहो तो वो भी आपको हो जाएगी। मैं अपनी फोन की लाइट ऑन कर, तो देखो भाई अंदर आ गए हम लोग। तो चमुंडा भाई अंदर से दिखाओ यार, अब मेरे बोलने से नहीं मानते, तुम्हारे से पता नहीं क्यों इतना प्यार करते हैं सब। कैमरे से देख लो पूरे, क्या बात है, क्या है पूरी देखो ऊपर हमारी पूरी ब्लैक लेदरिंग हुआ है स्टिचिंग के साथ, ये हमारा वो पेंट हो गया, इधर हमारी सारी वुडनिंग हो गया, पूरा गियर सॉफ्टनेस हो गया, ये चेंज नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया था इस पे। ये देख लो, इससे पता लग जाता है भाई गाड़ी पुरानी का। आप लोग को भाई सही में क्लासिक खड़ी करके हमें टोपी पहना रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ये देखो भाई, एस्टन वाली है, छह गियर वाली, छह गियर, पांच गियर प्लस रिवर्स, छठा जो है हमारा रिवर्स होता है। स्क्रीन इसमें हमारा लग गया इसके अंदर, हाँ। और स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग देख लो, नया वाला हमारा लोगो भी आ गया इसके अंदर। सीट कवर आगे पीछे सब दिखा दो, तो ये देख सकते हो भाई सीट कवर, वही हमारे प्रो सीरीज ही लगती है भाई, और ये प्रो सीरीज के साथ में हमारे इंटीरियर से मैच हमने इसके अंदर करके लगाए। बिल्कुल, इसमें और कुछ दिखाने लगे नहीं, पूरी गाड़ी के हमने डैम्पिंग भी किए थे, फुल डैम्पिंग गाड़ी हुआ इसका, नॉइज बिल्कुल नहीं आया गाड़ी को, रोड पे चलेगा तो ऐसे हमने बना दिया इसको। और ये सारा मॉडिफिकेशन में लमसम में 15 दिन का वक्त लगा, 15 दिन का वक्त लगा, ज्यादा ही लगा इतना टाइम तो देना पड़ता है इसमें। बिल्कुल, तो अंदर एक बार मैं आपको डिटेल में ध्यान से दिखाता हूँ। देखो एसी वेंट के पास भी यहाँ भी हमने पूरा वुडन कर दिया, छोटी छोटी बारीकियों भी, ये भी वुडन हो गया, ये साइड का पैनल जो होता है ये भी वुडन हो गया, स्टेयरिंग का यू वुडन कर दिया। स्टेयरिंग कंट्रोल इसके अंदर पहले से ही आते हैं क्योंकि S10 मॉडल थी, क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आ जाता है क्योंकि S10 थी हमारी, और ये क्रोम वगैरह सब आता है इसके अंदर, तो इसमें ज्यादा कुछ अंदर से मेजर चेंजेस नहीं करने पड़े कन्वर्जन। बाकी जो है पार्ट्स जो ये स्टीयरिंग का लोगो हमारा चेंज हुआ, मीटर आता है क्योंकि टॉप मॉडल है, सीट कवर इंटीरियर दिखा दिया आपको, रियर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये नहीं कि आगे आगे करा भाई, पीछे भी आपको पूरा मजा देखने को मिलेगा। रूफ लाइनर एक बार चेक करो भाई, ये भी हमारा बेज कलर में आ गया है, पर चमुंडा भाई इस कलर में ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, इंटीरियर का केयर बहुत ज्यादा रहेगी इसमें। बिल्कुल, तो ये देख सकते हो भाई आपकी अपनी चॉइस है, पर ये कुछ यूनिक वर्क है भाई, और इस टाइप की वीडियो आपको हमारे पास देखने को मिलती है महीने में एक बार, इसको कहते हैं ब्लॉकबस्टर वीडियो हमारे, तो ये ब्लॉकबस्टर कंटेंट हो गया हमारा इस महीने का। तो उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आई होगी, मेरे को भी नहीं पता था कि गाड़ी इतनी निखर के आएगा। बिल्कुल भाई, तो ये काफी मतलब एक ऐसा काम था जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सबसे ज्यादा इसकी गाड़ी में कलर प्यारा लग रहा है, कलर प्यारा लग रहा है, जंग खारी थी पूरी गाड़ी, बोनट वोनट सब खत्म था, तो सब कुछ चेंज हुआ इसका बोनट वगैरह। और भैया कह रहे थे कि गाड़ी ऐसी बनेगी शोरूम में खड़ी कर दो। क्या बात है, अब भैया से चल के बाहर बात करते हैं कि भैया मेन इनको काम कैसा लगा, इतनी दूर से आंध्र से आए हमारे पास, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस सब कुछ आपको हमने दिखा दिया भाई, गाड़ी किस तरीके से कन्वर्ट हुई है, एक भाई रहते हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से गाड़ी आए और ये रहते हैं राजस्थान में। अच्छा भैया राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, गाड़ी पूरी तैयार उन्होंने भैया ने वहाँ से पूरी डिटेल लेके चीज व्हाट्सएप पे देखते गए करते गए, पूरी डिसीजन वही कर रहे हैं जो भैया आंध्र प्रदेश में रहते। बिल्कुल, तो भैया लेकर क्या आए थे यहाँ पर आप? 9 तारीख को लेके, 9 तारीख को आप लोग आए थे यहाँ पर, और लेकर क्या आए थे यहाँ पर, कैसी गाड़ी लाए थे? उसके अंदर तो क्या था, खत्म था पूरी। बिल्कुल, उससे पहले आप लोग का ही प्लान था कि इसे बेच देंगे हम लोग, फिर अब इन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी, वीडियो देखने के बाद इनको हुआ कि हाँ 21 दिन लगी गाड़ी तैयार होने में भाई, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था इसके अंदर, क्योंकि सब कुछ हुआ है इसके अंदर टोटल, तो इसमें देख आप कह सकते हो मैकेनिकल काम भी हुआ है गाड़ी के अंदर, सब कुछ हुआ है, तो पूरी बाड़मेर जिला था। अच्छा वहाँ से आए आप, तो अब कैसी लग रही है गाड़ी? अब बढ़िया 2024 लग रही है, नया लिया 2000 नया, ऐसे ले शोरूम ले आके खड़ी कर दो, दोबारा कपड़ा हटा दो, है डिलीवरी हो जाएगी। क्या बात है, तो खुश हो? खुश है, जैसा पैसा खर्च करा है आपने वैसा मजा मिला आपको, पूरा प्रॉपर। तो अब घर लेके जाओगे पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि भाई नई गाड़ी लेकर आ गए, वह नंबर देख के चौकन्ने हो जाएंगे भाई, ये तो गाड़ी तो भाई है पुरानी वाली। तो ठीक है भाई, उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद है, इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उससे पहले चमुंडा ये बता दो आना कहाँ होगा?
सही पक रहे हो, आना कहा होगा जोटो रामा रोड मोती नगर डीएलएफ के सामने जहाँ पे मिलेगा नई दिल्ली भाई और सोनू भाई। और ये आपको करोल बाग से अलग पड़ता है, करोल बाग में हमारा एक ब्रांच आई, बट आपको ये वाला ब्रांच मोती नगर में पड़ता है जो कि कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो ऐसे धमाकेदार कंटेंट देखने के लिए। स्कॉर्पियो लवर्स वाले भाई मारे आपको स्कॉर्पियो की कसम, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से 1.5 लाख करवाओ फिर दिखाते हैं आपको एक नया जादू। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।